हेलो गाइस, विश यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिस मी आयशी जोशी ऑन द चैनल ऑफ अचीव आईएएस। तो हम डेली बेसिस पे द हिंदू के न्यूज़ आर्टिकल्स को डिस्कस किया करते हैं। तो सेम इज़ हैपनिंग टुडे। लेट्स स्टार्ट टुडेज एनालिसिस ऑफ टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर। ओके, सो आज के द हिंदू का जो सबसे पहली, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अभी एट प्रेजेंट एक बहुत बड़ी बीमारी या महामारी से गुजर रहे हैं, जिसके अंदर हम एक वायरस को फेस कर रहे हैं, दैट इज़ COVID-19, जो कि एक बीमारी है। इसके अंदर कोरोना नाम के एक वायरस को हम सफ़र कर रहे हैं, है ना। सो डेली बेसिस पर उससे जीतने की जंग जारी है पूरे देश में, इवन पूरे विश्व में, ठीक है। इसी बीच में भारत का एक ही दिन में 1752 केसेस, मतलब 1752 केसेस का जाना एक चिंता का विषय बन गया है। सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है कि एक ही दिन में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए केसेस जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं, दैट इज़ 1752। इसी दौरान सरकार ने ये बताया है कि चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद और सूरत, ये चार ऐसी जगह है, ऐसी सिटीज़ है जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। तो अब हॉटस्पॉट की कंडीशन दिन ब दिन चेंज होती चली जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है केस जो है, केसेस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो बढ़ते चले जा रहे हैं उनके अंदर महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, यूपी, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, केरला आ रहे हैं। जबकि जहाँ पे डेथ के बर्डन्स बढ़ते, जहाँ पे डेथ केसेस कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं, वो है महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, दिल्ली, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ओके, सो ये आज का हमारा सबसे बड़ी न्यूज़ है आज की डेट में, कि एक ही दिन में कंटिन्यू इतने सारे केसेस का बढ़ जाना, इट इज़ अ थिंग दैट गिव अस अटेंशन। ओके, सो अब हम सेकंड आर्टिकल लेते हैं। हमारा आज का सेकंड आर्टिकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टोटल लॉकडाउन इन 5 तमिलनाडु सिटीज़ फ्रॉम टुमारो। अब कल से जो है तमिलनाडु के अंदर 5 सिटीज़ के अंदर टोटली लॉकडाउन हो जाएगा, है ना। लेकिन कुछ जगह ओपन रहेगी। क्या क्या चीज़ें ओपन रहेगी, तो इन्होंने बताया है कि हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, फार्मेसी और जो बैंकिंग है सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब्स है, स्पेशली जो हेल्थ डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, ये सारी चीज़ें। और पेट्रोल जो है, पेट्रोल बंक्स ओपन रहेंगे, राशन, अच्छा पेट्रोल बंक्स भी 8 to 12 noon तक ही ओपन रहेंगे, है ना। FCI गोदाम, राशन, ये सब ओपन रहेगा, मार्केट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, मोबाइल यूनिट्स भी ओपन रहेगी। लेकिन जो चीज़ें ओपन नहीं होंगी वो होगी शॉप्स, सुपर मार्केट्स विच वर अलाउड टू ऑपरेट अर्लियर, है ना। ऑल प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूडिंग IT फर्म्स एंड रजिस्ट्रार ऑफिसेज विल नेवर बी ओपन, दे आर नॉट अलाउड टू ओपन। ओके, सो टोटल लॉकडाउन कहाँ कहाँ रहेगा। चेन्नई, मदुरई और कोयम्बटूर में 6 AM से 29 अप्रैल में 9 PM तक जो है टोटल लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा सलेम और तिरुपुर नामक जो जगह हैं वहाँ पर 6 AM 26 अप्रैल से 9 PM 28 अप्रैल तक कंटिन्यूस टोटल लॉकडाउन रहेगा। अब ये एसेंशियल क्यों हुआ ये सब करना, या ये लॉकडाउन को क्यों, ये 5 सिटीज़ को क्यों फोकस किया गया, तो यहाँ पे हॉटस्पॉट एरियाज बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए लोकल गवर्नमेंट्स की नीड है कि वो अपने फेजेस पर, अपने मतलब उसके बेसिस पर, अपने जो पावर्स के बेसिस पर कुछ एरियाज को लॉकडाउन करें जो हॉटस्पॉट एरियाज है। क्योंकि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कांट बी नोन विद ऑल दीज थिंग्स, जितना स्टेट गवर्नमेंट जानती है उतना सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं जान सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि उन्हें कौन से एरियाज में किस तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है, और ये जो इश्यूज़ हैं ये बिल्कुल सरकारों को खुद को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, IIT researchers develop tool to predict spread of COVID-19।
आईआईटी के रिसर्चर्स जो है उन्होंने एक ऐसा टूल डेवलप किया है जो कि COVID-19 के स्प्रेड को प्रेडिक्ट कर देगा, पहले ही बता देगा कि वो किस लेवल पे कहाँ कैसे फैलेगा। इसके लिए 3 वीक का एक प्रोजेक्शन प्रोवाइड किया गया है जो कि अथॉरिटीज़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से प्लान करने में हेल्प करेगा। तो देखिए, आपको पता है COVID-19 इज़ हैपनिंग या एक बहुत बड़ा इशू बन के जिससे हम गुजर रहे हैं अभी, तो इससे सफ़र करने के लिए, इससे ओवरकम करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है प्रॉपर स्ट्रेटजी, मेडिकल सर्विसेज, अलोंग विद दैट एक ऐसी प्लानिंग जो कि इस COVID-19 के इफ़ेक्ट को कम कर सके, ठीक है। और उसी दौरान आईआईटी रिसर्चर्स, क्योंकि हम वैक्सीन्स और एंटीडोट्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, लेकिन टेस्टिंग किट्स भी अभी रिसेंटली हमने जो है 2 दिन पहले के आर्टिकल में पढ़ा कि टेस्टिंग किट्स में भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं दैट आर नॉट जेन्यून। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट्स ने रिकॉर्ड किया है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात इतला की है कि जो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं हमें जो टेस्टिंग किट्स वो बिल्कुल जेन्यून नहीं है और हमें जेन्यून रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है उन किट से, है ना। सो ये सारी चीज़ें जो इन सब क्राइसिस के या हम कह सकते हैं क्रिटिकल कंडीशन के बीच में आईआईटी रिसर्चर्स का ऐसा टूल डेवलप करना एक बहुत बड़ी बात है और डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स दी सक्सेस, क्योंकि एज ऑफ नाउ हमें सक्सेस की, हमें उन कंडीशंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो हमें COVID-19 के इस दौर से निकलने में हेल्प कर सकें। और उसी दौरान आईआईटी के रिसर्चर्स द्वारा एक ऐसा जो टूल डेवलप करना हमारे लिए बिल्कुल बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं सौगात है हमारे लिए, है ना। और क्यों ऐसा क्यों है, क्यों, क्योंकि ये किट्स ये प्रेडिक्ट करेंगे कि आगे COVID-19 का स्प्रेड कितना होगा, किस एरिया में कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें वो उस किट द्वारा बताई जाएगी। तो डेफिनेटली अथॉरिटीज़ अच्छे तरीके से प्लान कर सकती है कि उस एरिया के अंदर और उस क्षेत्र के अंदर हमें कैसे वर्क करना है, है ना, एकदम पर्टिकुलर प्लान वाइज। बिकॉज देखिए COVID-19 एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम प्लान नहीं कर पा रहे हैं कोई भी चीज़ प्रॉपरली, वी आर नॉट लाइक यू नो वी आर नॉट गेटिंग वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही है। अब एक जो न्यूज़ है वो ये है, दिल्ली की न्यूज़ है, दिल्ली जो कि अभी लास्ट कई दिनों से सुर्खियों में है, इवन महीनों से, 2-3 महीनों से सुर्खियों में है, उसी के बारे में बात करेंगे कि वहाँ के CM ने जो पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं उनसे अपील की है कि वो अपने प्लाज्मा डोनेट करें जिससे कि जीवन लोगों के जो सॉरी लोगों की लाइफ्स को सेव किया जा सके, है ना। तो हमने आपसे मैंने आपसे डिस्कस किया था प्लाज्मा थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी इट मींस कि एक रिकवर्ड पर्सन जो COVID-19 पैंडेमिक से रिकवर कर चुका है उसके प्लाज्मास को लेकर और उस पर्सन में इंसर्ट किया जाता है जिसकी इम्यूनिटी वीक है और रिकवर नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में उस वेल इम्यूनाइज्ड पर्सन के प्लाज्मा को उस पर्सन में ट्रांसफ़र किया जाता है जिसकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करना है, उसकी बॉडी में उस जो इम्यूनिटी बिल्डर्स उन प्लाज्मा द्वारा इम्यूनिटी बिल्डिंग करके और उसे COVID-19 से बाहर लाया जा सकता है ना, जिससे कि उसका जीवन बच सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपील है किसी भी जो CM की, तो बहुत प्रॉपरली अगर इस पर वर्क किया जाए तो इट इज़ गोइंग टू बी यू नो सेव थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स, ओके। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस, वॉट स्टेट गवर्नमेंट डिड, वॉट वी डिड एंड वॉट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इट, ओके। अब हम बात करेंगे एडिटोरियल सेक्शन की, है ना। तो एडिटोरियल सेक्शन में देखिए आज जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अच्छा एक उससे पहले मैं एक ट्रेंडिंग न्यूज़ की बात करूँगी, सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड हो रहा है हम आज से ये भी डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पे कि सोशल मीडिया पे कुछ हमेशा एक हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना होता है कुछ ना कुछ सोशल मीडिया जो है, जिसके अंदर वो जो पोस्ट होती है, वो जो न्यूज़ होती है, वो ध्यान जो है आकर्षित करती है लोगों का, मीडिया का, है ना। वो मीडिया जो है उसके अंदर एक पहला आज का जो आर्टिकल जो था जो कल डेफिनेटली न्यूज़ में बना हुआ था, पिछले 2-3 दिन से बना हुआ है, वो ये है कि इस लॉकडाउन के दौरान एक फैमिली है जो कि क्रिकेट खेल रही है ना, और वो भी इस एज में आकर। तो ये बहुत
इंटरनेट को, हम कह सकते हैं पूरे इंटरनेट सर्विसेज को हिला कर रख दिया इसने। एक स्कूल टीचर है ये, शी इज़ अ लेडी एंड उसके उनके जो हस्बैंड है वो एक्स जो सर्विसमैन है। स्कूल लेडी जो टीचर है, संस्कृत टीचर रह चुकी है हाई स्कूल के अंदर, ये 50 इयर्स की हैं, ठीक है, और उनके जो हस्बैंड है वो 58 इयर्स के हैं। तो ये दोनों ही जो है अपने जो क्या कह सकते हैं दो बच्चों के साथ में एंजॉय करते हुए क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बहुत ही अच्छा सीन जो है, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ जाती है हमारे जो हमारे माइंड को ऑटो फ्रेश कर देती है ना, ऑटो फ्रेश मोड पे ले जाती है। बिकॉज ऐसी चीज़ें हमें आजकल डेली रूटीन में देखने को नहीं मिलती है। आजकल हम जनरली देखेंगे तो लोग फ़ोन्स लिए बैठे होते हैं या अपने उनके बच्चे फ़ोन लिए बैठे हैं, पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर रिस्पॉन्स एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इस बीच में ऐसी पिक्चर आना बिल्कुल माइंड को फ्रेश कर देती है ना। यस, अब हम मेन पे आते हैं, हमारा मेन जो हम डेली डिस्कस करते हैं दैट इज़ एडिटोरियल सेक्शन। तो देखिए एडिटोरियल के अंदर हमारा जो एक आर्टिकल है सबसे पहला वो है नो 100% कोटा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया है कि हम लोग 100% कोटा जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। आंध्र प्रदेश की बात है, या आंध्र प्रदेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी सीट के लिए या स्कूल टीचर, बेसिकली यहाँ स्कूल टीचर की बात चल रही है, स्कूल टीचर्स के लिए, लोकल स्कूल टीचर अथॉरिटीज़ के लिए हम लोग 100% कोटा प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, रिजर्वेशन उन्हें 100% नहीं दिया जाएगा। तो अब ये चीज़ बहुत अच्छी है अगर एक एक तरीके से देखा जाए तो, एक रूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या एक हम बात करें कि स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज़ गुड, इट इज़ अ गुड स्टेप ऑफ गवर्नमेंट। बट स्टिल जिन कंट्री, जिन स्टेट्स के अंदर ये चीज़ हो रखी है, आई मीन 100% कोटा प्रोवाइड किया हुआ है, उन स्टेट्स के लिए एक जेलिस फीलिंग क्रिएट होती है और इसके बेसिस पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ के लोकल पब्लिक में देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है आज के इस आर्टिकल में, नो 100% कोटा में, कि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद में वहाँ के लोगों के बीच में आक्रोश थोड़ा बहुत देखने को मिला है, लेकिन कुछ जेलिस जो स्टेट्स है उसमें उस आक्रोश में या उस आग में घी डालने का काम करेंगे, क्योंकि वो डेफिनेटली वो ये चीज़ ऑलरेडी अपने स्टेट में अप्लाई कर चुके हैं, है ना। तो अब ये जो जो नहीं किया है जिन्होंने, उनके लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीज़न है ये बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने कर लिया है, जिन स्टेट्स ने ऑलरेडी 100% कोटा का जो सिस्टम है, रिजर्वेशन सिस्टम, वो अप्लाई कर रखा है, तो उस फील्ड में उन लोगों के लिए ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्रिएट कर देगा, है ना। 100% कोटा का मतलब है उस स्टेट में टीचिंग से रिलेटेड जो भी जॉब प्रोवाइड करवाई जाएगी वो सिर्फ उस स्टेट के पर्सन को की जाएगी, बाहर का कोई भी दूसरे स्टेट का पर्सन आकर के वहाँ अप्लाई नहीं कर सकता। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस 100% कोटा। ओके, अब आपको रीड करना है बिल्कुल नॉर्मल, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है इसके ऊपर, इसी पर बेस्ड है ये पूरा आर्टिकल, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रफ्स एंड क्रेस्ट इन द पेंडेमिक रिस्पॉन्स। ये जो पेंडेमिक का दौर है, इस दौर के अंदर जो हम कह सकते हैं जो नलियाँ निकल रही है, छोटे छोटे रास्ते निकल रहे हैं, या जो बहुत छोटे लेवल पे हैं उनकी भी बात करेंगे और जो बहुत पीक पे लेवल पे हैं उनकी भी बात करेंगे। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि ग्लोबल लेवल पे जिस समय हम इससे इस दौर से गुजर रहे हैं, इस वर्ल्ड वाइड इस दौर से गुजर रहा है, तो जो कंट्रीज़ बहुत बहुत पीक पर है, जैसे US जैसी या बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो बहुत पीक पर हैं, वो भी फेल हो गई है कोई भी स्ट्रेटजी को फॉलो करने में या पेंडेमिक को, इस पेंडेमिक को हराने में। अब ये तो एक जाहिर सी बात है कि इस पेंडेमिक को ओवरकम करने के लिए हमें कोई बहुत बलवान होने की ज़रूरत नहीं है, या हमें कोई बहुत फिज़िकल पावर शो करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी पेंडेमिक है, एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसा दौर है जिससे निकलने के लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रेटजिकली एकजुट होकर कार्य करना होगा। अब यही वो दौर है जिसमें ये पता चल सकता है कि कौन सी कंट्री, कौन सा स्टेट किस लेवल पर कैसे परफॉर्म कर रहा है, और इसी बीच में जर्मनी और केरला का, उनकी गवर्नमेंट्स का इतना इफ़ेक्टिवली वर्क करना, इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलना, एक बहुत बड़ी बात है। इन लोगों ने जिस तरीके से हैंडल किया है इस पेंडेमिक को, इट इज़ जस्ट लिटरली अप टू द मार्क। सो
हम बात करेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि दूसरी स्टेट्स और कंट्रीज़ को ये देखने की ज़रूरत है, अपनी गवर्निंग सिस्टम को जो है शार्प करने की ज़रूरत है। और केरला की अगर सक्सेस की बात करें तो उसको देखते हुए केरला कंसिड और मध्य प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ये एक थोड़ा सा जो है हम कह सकते हैं टेंशन की बात है, जिस तरह की कंडीशंस चल रही है। तो जैसे और इसी दौर के अंदर वहाँ के स्टेट चीफ मिनिस्टर का जो है चेंज होना, आई मीन शिवराज सिंह चौहान जो कि वापस से आ गए हैं अपनी पोस्ट पर, क्योंकि वहाँ के जो जो फॉर्मर थे उन्होंने वहाँ से पोस्ट को त्याग दिया है। उसके अंदर जो है स्टेट लिस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो स्टेट रैंकिंग जो है डेथ लास्ट कैटेगरी में आता था नीति आयोग के हिसाब से, है ना। उनका जो एक्सपेंडिचर्स होने, हेल्थ एक्सपेंडिचर्स भी लो थे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए। तो दिस विल अंडरमाइन द स्टेट्स एबिलिटी टू फाइट द वायरस। तो इससे क्या हो रहा है, अंडरमाइन हो रही है स्टेट की एबिलिटी कि वो वायरस से फाइट कर सकते हैं या नहीं, विच गिवन द रैपिड ग्रोथ ऑफ केसेस एंड अ रिलेटिवली हाई केस फॉर फैटलिटी रेशियो। अब इस चीज़ से ये पता चलता है कि वहाँ पर किस तरह की कंडीशंस है और इससे क्या वो देश, या सॉरी क्या वो स्टेट जो है वो बाहर निकल पाएगा और कैसे अपने बढ़ते हुए केसेस को ओवरकम करेगा, है ना। बट इवन मोर वरीसम इज़ द एबडिकेशन ऑफ गुड सेंस बाय द पॉलिटिकल क्लास ऑफ स्टेट। अब देखिए ये सब जो पैंडेमिक हो रहा है, गुजर रहे हैं हम लोग इस दौर से, ये जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें तो होती ही है, एक टेंशन की बात है ही, लेकिन उसी बीच में एक नई पॉलिटिकल, इस बीच में क्रिएट करना, पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट होना, पॉलिटिकल टेंशंस क्रिएट होना, ये एक बिल्कुल बुरी तरीके से स्टेट की इमेज को ख़राब कर देता है ना। तो अब क्योंकि वापस नए सीएम आ चुके हैं तो 23 मार्च से उनको इनॉग्रेट किया गया है, तो देखते हैं फाइनली एक नए हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे, या नए फाइनली एक नया हेल्थ मिनिस्टर मिलेगा और जिससे उसमें कुछ सुधार आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक चिंताजनक विषय है कि पैंडेमिक के दौर में इस तरीके से गवर्नमेंट द्वारा सिचुएशन को हैंडल ना करना, डे बाय डे कंडीशन बढ़ती जाना, मतलब केसेस बढ़ते चले जाना, और इसी दौर में पॉलिटिकल भी एस्पेक्ट्स क्रिएट होना या पॉलिटिकल चेंजेस, बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ों से सफ़र करने के लिए हमें जर्मनी और केरला के मॉडल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और इसी दौर में पता चलेगा कि कौन टॉप पर है और कौन लोएस्ट पोजीशन पर है ना। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, जॉइनिंग ऑफ जायंट्स। ये एक इम्पॉर्टेंट देखिए बन जाता है यहाँ पे। रिसेंटली फेसबुक और जियो एक साथ आ रहे हैं, ऐसा डिसीजन अभी तक लिया गया, डिसीजन लिया गया है, तो ये आना बहुत अच्छी बात है, इन दोनों का एक साथ आना, दो पावरफुल, सबसे बड़ी पावरफुल इंडिया में हम कह सकते हैं सोशल मीडिया में तो फेसबुक है ही, और जियो तो इंडिया का मोस्ट पावरफुल इंटरनेट नेटवर्क सर्विसेज में आता ही है ना। तो फेसबुक का इन्वेस्ट करना 43,574 करोड़ रुपीज़ और फॉर 9.9% स्टेक इन रिलायंस जियो, रिलायंस जियो के इंडस्ट्रीज़ के अंदर फेसबुक जो है 43,574 करोड़, जो कि 9.9 स्टेक कवर करता है, उसको खरीदने का डिसीजन लिया गया है ना। अब देखते हैं कि जब दो एक साथ बड़ी पावर्स आती हैं, ये एक देखो मोनोपोली का रिस्क भी हो जाता है, या तो इससे एक कंडीशन होगी कि दोनों मिलकर एक साथ बहुत प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे, लेकिन एक कंडीशन ये भी क्रिएट हो सकती है कि कहीं ये मोनोपोली को इफेक्ट ना कर दें, हमारे इंटरनेट सर्विसेज इससे कहीं इफेक्टेड ना हो। ये सारी सर्विसेज हमें देखने, ये सारी चीज़ें जो है टेंशन की क्रिएट कर लेती हैं। अदरवाइज दो पावर्स का साथ में आना एक इंटरेस्टिंग जो है सिनेरियो क्रिएट करेगा, एक्साइटमेंट लेकर आएगा। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ आते हैं तो सरकार को, या हमारी भारत सरकार को ये चीज़ें देख कर चलनी होगी, या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ये चीज़ें देख कर चलनी होगी कि कहीं फेसबुक के आने से या आम जनता को इंटरनेट सर्विसेज से में जो प्रोवाइड हो रही है उसमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इवन मोनोपोली ना क्रिएट हो जाए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि फेसबुक भी एक बहुत पावरफुल उसके अंदर ब्रांड में आता है, लेकिन फेसबुक की कुछ इंटरनेट लिमिटेशंस हैं, है ना। और वही इंटरनेट लिमिटेशंस जो हमें पहले
प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो जो लिमिट इंटरनेट प्रोवाइड करवाई जा रही है वो जियो द्वारा करवाया जा रहा है। तो ये एक बहुत चिंताजनक विषय है कि क्या ऐसा होने से, इन दोनों के एक साथ आने से भारत में इंटरनेट सेवाओं पर कोई प्रभाव पड़ेगा या सोशल मीडिया पर कोई प्रभाव पड़ेगा, और अगर ऐसा होगा तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना। तो देखते हैं ये दोनों बड़ी, हालांकि एक्साइटमेंट की भी बात है, मुझे तो बड़ा एक्साइटमेंट भी है कि क्या नया क्रिएट होगा, इकोनॉमी जनरेट होगी बहुत अच्छी और बहुत बहुत कुछ होगा। क्योंकि देखिए ये एक जो अभी हम कह सकते हैं जो डेप्ट का टाइम है बहुत ज़्यादा, रिलायंस के लिए भी एक डेप्ट का टाइम है, या बहुत हम कह सकते हैं कि बुरे दौर से जो हम गुजर रहे हैं फिनेंशियल इश्यूज़ में, इस दौर में फेसबुक का ये प्रस्ताव रखना भी कोई बहुत छोटी बात नहीं है, इट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन क्या ये डिसीज़न, मतलब फेसबुक के इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने का डिसीज़न कहीं हमारे देश में एक नेगेटिव इम्पैक्ट को ना ले आए, हमारे देश की इंटरनेट सर्विसेज जो कि आज की टॉप ग्रोइंग कंट्रीज़ में से आ रहे हैं हम लोग, है ना, टॉप मोस्ट ग्रोइंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारी, उसमें कहीं या उसके ऊपर कहीं प्रभाव ना देखने को मिले हमारे फेसबुक के ओवरकम करने का, है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है बिहार्स डायस्टोपियन मोमेंट्स एंड अ लूमिंग क्राइसिस। अब बिहार के बारे में बात की, बिहार ऑलरेडी देखिए बहुत सारे इश्यूज़ जो है, लंबे इश्यूज़ को लेकर ऑलरेडी जो है करता रहता है, सफ़र कर रहा है ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम से, बहुत बड़े बड़े सिनेरियो को लेकर ऑलरेडी बिहार स्टेट जो है वो ग्लोबल या नेशनल लेवल पे बहुत सफ़र कर रहा है, ठीक है। और उसी दौरान पॉलिटिकल इश्यूज़, अब ये बात, ये आर्टिकल उसी पर बेस्ड है कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी करनी होगी, कुछ बदलाव ऐसे लाने होंगे जिसका, जिससे कि हमारे देश का और स्पेशली बिहार का जो कि एक स्टेट है हमारे इंडिया का, तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट्स को ऐसे इम्प्लीमेंटेशंस करने होंगे, चाहे वो स्टेट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, कि बिहार की कंडीशन को सुधारा जा सके। ऑलरेडी पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं और उसी बीच में पॉलिटिकल जो एक सिनेरियो वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो लंबे समय से देखने को मिल रहा है, वो एक टेंशन क्रिएट कर देता है ना, एक लंबे, ऑलरेडी हम किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और किसी दौर से गुजर रहे हैं, और उस दौर में एक जो है पीछे मुड़ के देखें या आगे भी अगर हम देखते हैं तो करंट सिनेरियो के बेसिस पे बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज क्रिएट होते हैं, हो रहे हैं इवन, तो उनसे गुजरा जाए या उन पर ध्यान आकर्षित किया जाए या अपना ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित किया जाना चाहिए COVID-19 पर। अब ये एक बहुत ही दुविधाजनक कंडीशन आकर खड़ी हो गई है ना बिहार के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यहाँ पे कुछ अच्छे कंडीशंस लेकर आए, आगे भी ऐसी जो प्रॉब्लम है इमेजिनरी होमलैंड की, जो इशू है जो इमेजिनरी होमलैंड कहलाता है बिहार, तो फॉर इट्स पीपल हु आर नाउ होम बाउंड एज सिटीज विच दे कंट्रीब्यूटेड टू बिल्ड हैव फेल्ड दैम। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग बिहार में, लोग बिहार में जाने से भी कतराए, ऐसी कंडीशन देश के किसी एक कोने की नहीं होनी चाहिए, ये हमारा एक मकसद होना चाहिए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को स्पेशली इन चीज़ों को फोकस करना चाहिए, है ना। तो ये हमारा आज के आर्टिकल्स थे और बिल्कुल हमने इनको डिस्कस किया जो कि इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं कहीं ना कहीं। इसके अलावा अगर आप पूरे न्यूज़पेपर में देखेंगे तो मैक्सिमम लेवल पे कहाँ पे केसेस कितने पॉजिटिव आए हैं, कितने नेगेटिव आए हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगी, और केंद्र सरकार है उसके ऊपर कैसे कैसे कार्य कर रही है वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सो बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ में ये न्यूज़पेपर डिस्कस करके, और वैसे डेली ही अच्छा लगता है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इंटरेस्टिंगली इस पूरे एनालिसिस को देखा और आप बिल्कुल 100% पॉजिटिव वे में इस एनालिसिस को स्टडी कर रहे हैं और मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो थैंक्स फॉर ऑलवेज बीइंग विथ मी, आई विल अगेन बी हेयर बाय टुमारो। और आपके लिए ये जो आज हमने सरप्राइज प्लान किया था, आई मीन जो इनिशिएट किया है जो वीडियो स्टार्ट होने पे जो एक, तो उस पर आप मुझे ज़रूर अपने व्यूज़ दीजिएगा, क्योंकि हमारा एक न्यू इनिशिएटिव है और ये आप ही के लिए किया गया है, जिससे कि मॉर्निंग सेशन में एक थोड़ा एनर्जेटिक जो आपके अंदर आ जाए, न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले एक एनर्जेटिक फीलिंग आ जाए,
तो उसके लिए हम उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आएगा। और अगर आपको ये पसंद आता है हमारा इनिशिएटिव, तो डेफिनेटली जस्ट गिव योर प्रीशियस कमेंट एंड लाइक, एंड ऑलवेज शेयर दिस टाइप ऑफ स्टडी मटेरियल विद ऑल दोज पीपल्स हु आर नीडेड। ओके, सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।